बीजेपी को ज्यादा पावर दी जाएगी और कांग्रेस को भी थोड़ी सी। आपको इस बात का से पहले कैसे पता लग गया? इंटरनेशनल लॉबी जो काम कर रही होती है, आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस को इतनी इतनी सीटें मिलेंगी। वो बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस भी बनाए गए जिसकी वजह से उनको डीपॉपुलराइज किया गया, बीजेपी को बड़े फैसले ना कर सके, बीजेपी को इस तरह से टफ टाइम मिलेगा। हमारी जो सरमायाकारी है हिंदुस्तान में वो भी चलती रहे, वो बीजेपी है जो तीसरी दफा अपनी हुकूमत बना रही है। सेकंड वर्ल्ड के यहाँ वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आ गया, आपको पता है उसने यार इंग्लैंड को क्रॉस कर दिया। अच्छा एके साहब, आप रात जब हमारी मीटिंग हुई आप डिस्कशन कर रहे थे कि इस दफा जो है वो इंडिया के अंदर जो हुकूमत बनाई जा रही है इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट की तरफ से, वो ये है कि बीजेपी को ज्यादा पावर नहीं दी जाएगी और कांग्रेस को भी थोड़ी सी पावर ज्यादा दी जाएगी पिछले साल के हिसाब से। आपको इस बात का इंटरनेशनल न्यूज अनाउंसमेंट से पहले कैसे पता लग गया? असल में पता लग जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमें नजर आ रहा था एक साल से बीजेपी की वहां पर जो इंतहा पसंदी पर मबनी सोच थी और कांग्रेस उसमें उभरती हुई नजर आ रही थी, ये सारी सिचुएशन थी। इंटरनेशनल लॉबी जो काम कर रही होती है, आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको कुछ कंसर्न्स थे बीजेपी से और वो बीजेपी से कुछ नाराज नजर आ रही थी। बीजेपी हिंदुस्तान में अपने हिंदुइज्म को प्रमोट करती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि कांग्रेस को इस पर बड़े तहफजात थे। कांग्रेस ने इसी चीज को अपने जलसों में, अपनी रैलियों में, अपनी इलेक्शन कैंपेन में, अपनी चीजों को किया। जो मुझे मायूसपूर्ण चीज नजर आई, जो मैं चाह रहा था, वो जो मुझे नजर आ रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस को इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, इतना ही फर्क मिलेगा। इस वक्त जो क्रांति आप सीटें देख रहे हैं, 231 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है, 291 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास 231 है, और इसी तरह आम पार्टी के पास बहुत कम सीटें हैं, अदर्स के पास टोटल 18 सीटें हैं। मैं आम पार्टी के पास जो सीटें देख रहा था वो 30 के करीब देख रहा था। आम पार्टी के पास आप 30 के करीब सीटें देख रहे थे, लेकिन वो अगर केजरीवाल के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा करप्शन के केसेस भी बनाए गए जिसकी वजह से उनको डीपॉपुलराइज किया गया, और उनको डीपॉपुलराइज करने की वजह यही थी कि वो अगली दफा ज्यादा पावर के अंदर नजर आ रहे थे, और फिर कांग्रेस ने जो पिछले साल काम किए हैं एक साल के अंदर अंदर अपनी पॉपुलरिटी को बढ़ाने के लिए, जो उन्होंने 50-60 सीटें खो दी थी, लग रही रहा था कि 50-60 सीटें उनको नहीं मिलेंगी, अब उनको वो मिल गई हैं। वो जो काम थे वो बताए ना, उन्होंने क्या काम किया था? वो काम देखे, काम हम बाद में कर लेते हैं, काम पे डिस्कशन, लेकिन आज का जो हॉट टॉपिक है, हॉट इश्यू है, लोग जो जानना चाह रहे हैं वो ये है कि इलेक्शन बन क्या रहा है, हो क्या रहा है। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को बड़े फैसले ना कर सके, ये बीजेपी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को लाके खड़ा कर दिया है, और आइंदा जो भी इलेक्शन होगा ये पहला एक इलेक्शन है हिंदुस्तानी तारीख का जो मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है ये अपनी मुद्दत ना कर सके, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की एक तारीख है। हिंदुस्तान में इस तरह से, पाकिस्तान में जो हालात बना दिए जाते हैं, इस तरह से हालात नहीं बनते, लेकिन तब टाइम मिलने वाला बीजेपी को इस दफा, बीजेपी को इस तरह से टफ टाइम मिलेगा कि इसके नाक में दम करके रख दिया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान ने बाकी जमातों के नाक में इस वक्त दम किया हुआ है। ये एक ओवरऑल पिक्चर है जिसका जानना बड़ा जरूरी है। मैं जिक्र कर रहा था मल्टीनेशनल कंपनीज का, इस इंटरनेशनल कैपिटलिज्म का। इंटरनेशनल कैपिटलिज्म चाह रहा था कि हमारे जो सरमायाकारी है हिंदुस्तान में वो भी चलती रहे और हम कोई इसको बीजेपी को बड़े फैसले करने से भी रोकने में कामयाब हो जाएं। उन्होंने इस तरह से किया कि बीजेपी। अच्छा मुझे बात सुने सर, मेरी बात सुने। पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन हुए अभी 3 माह पहले, आपको पता है कि किस तरह डब्बे के डब्बे उठाए गए, किस तरह वोटर्स को बाहर निकाला गया, हिंदुस्तान में ये काम नहीं हुआ। तो लेकिन हिंदुस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना असर रसूख कैसे किया, ये भी जरा हमारी आवाम को बताएं। वो बड़ी एक पाकिस्तानी आवाम जानती है कि किस तरह से लॉबिंग होती है, किस तरह से इलेक्शन पर असरअंदाज चीजें करती हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी थ्योरीज हैं, नौजवान हैं, उनके जहन को किस तरह से चेंज किया जाता है। आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर वीडियोस क्लिप बनाए जाते हैं, किसी पर करप्शन के इल्जाम लगाए जाते हैं, किसी के ऊपर मुतशद्दद ज़हनियत के इल्जाम लगाए जाते हैं, किसी को किसी की सोच उस पर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बना के, मुझे एक बात बताएं, मुझे बना के ये सोच को पोर्ट्रेट किया जाता है और फिर बताया जाता है कि अगर ये सोच एक मिनट मुझे एक बात बताएं, कौम को ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, उससे फिर नौजवानों की जो सोच है वो तब्दील होती है। एक साहब मुझे एक बात बताएं, इंडिया के सबसे बड़े
है यूट्यूबर ध्रुव राठी, जो एक दफा वीडियो अपलोड करें तो 24 घंटे के अंदर 12-14 मिलियन व्यू कॉमन सी बात है। वो उन्होंने पिछले 3 महीने से सारी की सारी वीडियोज जो है ना वो मोदी के खिलाफ बनाई है और वो मिलियनेयर नहीं बिलियनेयर यूट्यूबर है इंडिया का। लेकिन तो वो क्या हशर हुआ है, आपने वो खुद ही बता दिया ना, कितने मुझे बताएं लास्ट टाइम कितनी सीट्स थी, अब कितनी सीट्स रह गई हैं। और ये वो बीजेपी है जो तीसरी दफा अपनी हुकूमत बना रही है, जिसकी 3 मरतबा कंटिन्यूसली हुकूमत हो, उसकी तो जड़ें आवाम में होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर आवाम में पैसे की जो हेर फेर है। आपको पता है कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अब इंडिया को भाई इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, आगे निकल गया वो सेकंड वर्ल्ड के, हां वो फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आ गया। आपको पता है उसने यार इंग्लैंड को क्रॉस कर दिया है तो पीछे क्या रह गया, फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं आ गया, इसकी वजाहत टॉप 5 के अंदर आ गया वो। मैं इसकी वजाहत इस तरह से कर रहा हूं कि वहां पर गुर्बत है, मानना पड़ेगा वहां पर मसाइल हैं, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया की आप जीडीपी का बात की बात करेंगे वो फिर क्रॉस कर गया, फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा। अगर हम वहां के हालात को, वहां के मजदूर पेशा वर्कर पेशा की बात करें, वहां पर थर्ड वर्ल्ड वाले हालात हैं। मैं ऐसे आपकी बात ठीक है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब मैं ननकाना साहब गया, मैं वहां से मैं 3-4 सूबों के जो सिख बरादरी वहां आई हुई थी, 3-4 सूबों की सिख बरादरी वहां आई हुई थी, उनसे मैं मिला, उनकी बातों से जो लग रहा था वहां पे बहुत ज्यादा खुशहाली है। नो डाउट के अब वो फर्स्ट वर्ल्ड में भी नहीं है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड में भी नहीं है, वो सेकंड वर्ल्ड क्रॉस करके फर्स्ट वर्ल्ड के करीब पहुंचने वाला है। वो कहते हैं कि हम इंडियन 500 रुपीज के अंदर पूरे हफ्ते की जो है वो सब्जी दालें गोश्त खरीद लेते हैं। आप मुझे बताएं, ₹500 पाकिस्तान के अंदर बनती रही है कि कभी भी चुटकी बजा के वो हुकूमत गिरा दी जाए, लेकिन इंडियन तारीख का तसलसल देखा जाए तो उससे नहीं लगता, उससे नहीं लगता कि वो हुकूमत गिरेगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस के जो लीडरान हैं राहुल गांधी साहब वो क्या करते हैं और मोदी साहब क्या करते हैं, इंडिया की आवाम के लिए काम करते हैं या जिस तरह पाकिस्तान में एक साल से अभी बड़ी जरूरी है। अभी ये गैर हतमी गैर सरकारी नतायज हैं, अभी कुछ हलकों में रिकाउंटिंग जारी है, रिकाउंटिंग होगी, चीजें प्रोसेस में है, हो सकता है आपके ये बीजेपी ने कोई शरारत की हो, कोई हरकत की हो और कांग्रेस ही हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, जितना भी कर लें, लेकिन इतना ज्यादा सीटों का सेटअप नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, वक्त बताएगा कि मोदी सरकार और राहुल गांधी मिलके आवाम के लिए काम करते हैं या जिस तरह पिछले 1.5 साल से 2.5 साल से पाकिस्तान के अंदर एक पार्टी को तुनतना का काम लगा हुआ है तो इंडिया में भी कांग्रेस को तुनना जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, मुझे जल्द दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।